अनूपपुर जनसुनवाई में अमरकंटक नगर पंचायत की अध्यक्षता प्रभा पनारिया सहित वार्ड के 8 पार्षद ने अपने हस्ताक्षर सहित सीएमओ नगर पंचायत अमरकंटक सुरेंद्र सिंह उइके के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि अमरकंटक नगर पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, साथ ही सीएमओ नगर पंचायत मुख्यालय में नहीं रहते, जिस कारण से वहाँ के जनप्रतिनिधि अध्यक्ष सहित सभी पार्षद परेशान है। किसी भी काम को वह नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में जनता उनसे विकास की बात करती है, क्षेत्र से जुड़ी समस्या की बात करती है, बिना सीएमओ की उपस्थिति के नहीं पूर्ण करवा पाते। अध्यक्ष प्रभाव पनारिया का कहना है कि सीएमओ मुख्यालय में नहीं रहते, मैं आखिर बात करूं तो किससे। लगातार जल स्तर गिरा है, पानी की समस्या है, नर्मदा भी सूख गई है, लेकिन इन सभी बातों से नगर पालिका सीएमओ का कोई लेना देना नहीं। सभी पार्षद परेशान है, कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देने भाजपा कांग्रेस दोनों के पार्षद लिखित शिकायत दर्ज कराने आज जनसुनवाई के दिन पहुंचे। पार्षदों का कहना है, हम अपने वार्ड में गुणवत्तायुक्त काम चाहते हैं, पर जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वे सीएमओ की मनमानी भ्रष्टाचार के कारण गुणवत्ताहीन हो रहे हैं, जिससे जनता की आक्रोश को उन्हें जीना होता है। पानी की समस्या बनी हुई है। 6 नंबर वार्ड क्या हुआ? मेरे वार्ड में बहुत समस्या है सर, पानी नहीं है। कपिलधारा में 2 दिन हो गए टैंकर के लिए बोलते, लेकिन टैंकर नहीं भिजवाते हैं, और 8 बजे पानी देते हैं और 9, 9:30 बजे बंद हो जाते हैं। 2-3 घर के पाते हैं। अभी तो जाके सीओ को बोले तो टैंकर रोज भेजाते हैं, नहीं टैंकर भी नहीं भेजाते। सीएमओ और इंजीनियर के अनियमितता का आरोप यहाँ लेके आए आप लोग कलेक्टर? 5 और 6 के बीच में 10 लाख के घाट बनाया, पूरा गिट्टी निकल गया है, अभी साल भर हुआ है। अब 2 पंचवर्षीय हो गए मेरे वार्ड में काम नहीं होता, 2 रास्ता है वो भी नहीं बन पाता, और लाइट बैके बस्ती है मेरे वार्ड में, अभी मुश्किल में अभी लाइट पहुँचा है वहाँ, लाइट भी नहीं। गुम्मा घाटी जंगल एरिया है, वहाँ लाइट भी नहीं। आप कांग्रेस की पार्षद है जी? कांग्रेस समर्थित पार्षद कांग्रेस से। पिछले 5 वर्षीय में मेरे वार्ड में ईटा गिट्टी सब गिरा दिए और वहाँ से उठा के ले गए इंजीनियर साहब। एक सबसे बड़ी बात तो इनका अनुपस्थित रहना, हमारे इंजीनियर और सीएमओ का जो अनुपस्थित रहना वो हमारे कामों में सबसे बड़ी बाधा है। कोई भी काम होते हैं जनता का तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, जितने भी काम हुए हैं गुणवत्ता विहीन है। कोई भी काम उठा के अगर हम देखते हैं तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अच्छा हम उनको बोल सकें। शिकायत करने पे कहते हैं आपको क्या परेशानी है। शिकायत कहाँ करते हैं? हमने एक बार मैंने उसमें लगाया था 181 में, तो उन्होंने बोला, मैंने इंजीनियर से पूछा, आपने ये रोड का एक रोड बनी थी हमारे यहाँ, वो 1 साल पहले निर्माण हुआ, उसके बाद फिर 1 साल बाद उन्होंने फिर उस रोड को काम करना शुरू किया। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? बोले आपको इससे क्या मतलब मैडम, क्या परेशानी है? आज आप शिकायत? हमारे अमरकंटक नगर परिषद अध्यक्ष हूँ, लेकिन वो सब हमारे सुरेंद्र सीएमओ उइके के तरफ से शिकायत है, वो रहते नहीं है नगर पंचायत में। आज देखो पूरे जनता का क्रोध हमको सहना पड़ता है, पूरे नगर में एकदम पानी के लाले पड़े हैं, अपना छोटा सा रोड बिजली कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ ध्यान ही नहीं है। वो रहते नहीं है तो क्या ध्यान, हम किस को अपने छोटे मोटे चपरासियों को थोड़े ना आदेश करेंगे, हम तो सीएमओ को आदेश करेंगे ना। वो तो रहते ही नहीं है, हम कितने परेशानी से, इसलिए हम सीएमओ को हटाना चाहते हैं। उनकी ट्रांसफ़र हो गया है, जहाँ वो वहाँ जाएँ, हम बस इतना ही मांग कर रहे हैं कलेक्टर से कि उनका सीएमओ को हटाएं हमारे नगर पर। सीएमओ क्षेत्र में नहीं रहते क्या? वहाँ निवास उनका घर कहाँ है? उनका घर है गुड़ में है, मझोली में हो गया था उनका ट्रांसफ़र, वो अभी 24 तारीख से नहीं है पता उनका। अब कलेक्टर साहब के यहाँ लिए होंगे छुट्टी, मुझे कोई जानकारी नहीं है ना। मुझे कल मैं गई थी अपना ऑफिस, तो वहाँ जाके मैं पूछी कि कब तक छुट्टी, किसी को पता नहीं है ऑफिस में।